गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ रितु गर्ग, लेक्चरर इन इंग्लिश, एंड टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पोयम रिस्क कम्पोज बाई जैनेट रैंड। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इस पोयम को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। आप इस पोयम को 2 to 3 टाइम्स रिसाइट कीजिए, जिससे आप ये पोयम याद कर सकें। इससे हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हम पोयम की लाइन्स को रिकॉल कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पोयम इज व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस क्या है? लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क इन लाइफ। हम अपनी लाइफ में जो रिस्क हैं उन्हें लेने के लिए जो हम में हिम्मत है, वही हमारी सक्सेस है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज ट्रूली फ्री। ट्रूली फ्री किसे माना गया है? ओनली अ पर्सन हु टेक रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री। वह इंसान, वह पर्सन जो अपनी लाइफ में रिस्क लेता है, वही ट्रूली फ्री है, वही सही मायने में फ्री है। बिकॉज रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड इन लाइफ एज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ। क्योंकि रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ। लाइफ में ग्रेटेस्ट हैजर्ड क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोइटस द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हम अगर अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेते, वही ग्रेटेस्ट हैजर्ड है। अ पर्सन हु अवॉइड्स टेकिंग रिस्क कैन नॉट गेट सक्सेस इन हिज लाइफ। एक पर्सन जो अपनी लाइफ में रिस्क को अवॉइड करता है, वो सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अ मैन फिल्ड विद डिस्पेयर। एक इंसान कब निराश हो जाता है? व्हेन अ मैन लॉसेज हिज होप एंड फेल्स टू अचीव थिंग्स विच ही डिजायर्स ही इज फिल्ड विद डिस्पेयर। जब एक इंसान अपनी होप खो देता है, जब वो जिन चीज़ों को हासिल करना चाहता है, जिनकी उसे डिज़ायर है, उन चीज़ों को वो हासिल करने में फेल हो जाता है, तब एक इंसान निराश हो जाता है। हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड। फ्रीडम को कैसे इंजॉय किया जा सकता है? फ्रीडम कैन बी इंजॉयड ओनली बाय अ रिस्क टेकिंग मैन। एक रिस्क लेने वाला पर्सन फ्रीडम को अच्छे से इंजॉय कर सकता है। व्हेन वी टेक रिस्क वी इंजॉय द रियल फ्रीडम ऑफ लाइफ। जब हम अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, तब हम रियल फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड वी टेक रिस्क। हमें रिस्क क्यों लेने चाहिए? देयर इज अ रिस्क इन आर एवरी एक्टिविटी। हमारी हर एक्टिविटी में रिस्क है। विदाउट टेकिंग नेसेसरी रिस्क वी कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड इवन लिव। बिना नेसेसरी रिस्क लिए हम अपनी लाइफ में लर्न, फील, चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। दोज हु रिस्क नथिंग अचीव नथिंग। वो जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, वो कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। सो टू मेक प्रोग्रेस और अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क। तो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस के लिए और कुछ ग्रेट अचीव करने के लिए हमें रिस्क लेने चाहिए। व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। हम अपनी लाइफ में रिस्क को अवॉइड करते हैं, तो इसका इमीडिएट एडवांटेज क्या है, यानी कि हमें तुरंत मिलने वाला क्या फ़ायदा है? द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क इज दैट वी मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरोज। अगर हम रिस्क को अवॉइड करते हैं, तो हम हो सकता है कि हम अपनी सफरिंग्स, अपने सोरोज को भी अवॉइड कर सकें। बट वी शैल अचीव नथिंग एंड लाइफ विल बी मीनिंगलेस। लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी। राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम। इस क्वेश्चन के आंसर में हम इस पोएम की मेन थीम डिस्कस करेंगे।
रिस्क इज़ अ मोटिवेशनल पोएम. रिस्क एक मोटिवेशनल पोएम है जो हमें मोटिवेट करती है. इट मोटिवेट्स अस टू टेक रिस्क इन लाइफ. और ये हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपने लाइफ में रिस्क लेने चाहिए. एज़ रिस्क आर इंट्रीगल पार्ट ऑफ आर लाइफ. क्योंकि रिस्क जो हैं वो हमारी लाइफ का इंट्रीगल पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जिसे हम अलग नहीं कर सकते. बाय अवॉइडिंग रिस्क वी कैन नॉट गेट सक्सेस एंड लाइफ विल बी मीनिंगलेस. अगर हम रिस्क को अवॉइड करते हैं तो हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते और हमारी लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगी. सो रिस्क मस्ट बी टेकन. इसलिए रिस्क ज़रूर लेने चाहिए.